Hello dosto and welcome to the YouTube channel of campuswala.com. This is Sujeet Govindani and if you are new to this channel then don't forget to press the subscribe button and hit the bell icon. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि IIT यूनिवर्सिटी की उसके प्लेसमेंट से लेके उसके कॉलेज के हर एक बेसिक डिटेल की मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको भी IIT यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत में इंटरेस्ट के लिए जानकारी चाहिए हो तो आप आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस वीडियो की कंप्लीट डिटेल ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात करने वाले हैं जो कि एमपी के अंदर होंगी। आज हम लोग एमपी की टॉप 5 विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन हमारी टॉप 5 रैंकिंग जो कि बेस्ड होगी उस कॉलेज के इंटीरियर पर, उस कॉलेज की एकेडमिक डिटेल्स पर, उस कॉलेज की प्लेसमेंट्स पर और ऐसे ही अलग अलग नॉलेज के बेसिस पर। तो हमारे यहाँ पर रैंक 5th नंबर पर है एमआईटी ग्वालियर। आपको बताना चाहूंगा एमआईटी ग्वालियर 2010 से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए और एनहेंस कर रहा है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज को इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग। आपको बताना चाहूंगा एमआईटी ग्वालियर स्टैंड करता है 58th नंबर पर ग्लोबली बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और इसी के साथ साथ एमआईटी ग्वालियर A+ ग्रेडेड है बाय NAAC। आपको बताना चाहूंगा एमआईटी ग्वालियर का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 3 ईयर्स। उसी के साथ अगर आपको उसके अंदर एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 के अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू पास आउट होना रहता है और उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो है 3,99,000 फॉर द कंप्लीट कोर्स। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने साथ सिटी ऑफ लेक्स भोपाल के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा 1990 से एस्टेब्लिश्ड भोपाल के अंदर द माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा माखनलाल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा और मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंसिडर करी जाती है स्टेट की बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स एंड रिलेटेड साइंस। अगर आप लेने वाले हैं एडमिशन माखनलाल चतुर्वेदी के अंदर और सीखना चाहते हैं BSc ग्राफिक एनिमेशन एंड गेमिंग के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको 10+2 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट करना होगा। आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 ईयर्स की रहेगी और इसके साथ जो इसका फी स्ट्रक्चर है वो है 68,300 रुपीज। चलिए मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल के ही अंदर जहाँ की मैं बात करने वाला हूँ आपसे जागरण लेक सिटी के लिए। मैं बताना चाहूंगा 230 एकड़ में फैला हुआ ये कॉलेज जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2009 के अंदर और रिकॉग्नाइज कराया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कराया गया था 2013 के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा सिलिकॉन इंडिया के द्वारा इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया से भी नवाजा गया था और इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही स्टूडेंट्स को ऑफर करता है अलग अलग कोर्सेज। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा 46 कोर्सेज विद 13 स्ट्रीम्स एंड 12 स्पेशलाइज्ड ऑफर्स कोर्सेज के यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बैचलर ऑफ डिजाइन इन JLU तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो होती है 4 ईयर्स। आपको बताना चाहूंगा इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होना जरूरी है एंड जिसका फी स्ट्रक्चर जाता है वो जाता है 3,20,000 इंडियन रुपीज। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं JLU के द्वारा तो उसका जो फी स्ट्रक्चर जाता है वो जाता है 5,35,000। कोर्स की जो ड्यूरेशन जाती है वो जाती है कंप्लीट 4 ईयर्स और उसके साथ जो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके द्वारा आपको बताना चाहूंगा आपका इस स्ट्रीम के लिए भी 10+2 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा पास आउट होना जरूरी होता है। अगर आपने कभी क्रिएटिव डिजाइनिंग में हाथ मारा हो और अपनी सोच को ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ ढकेला होगा तो मेरी गारंटी है आपने ZICA यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, मैं उस ZICA यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो इंदौर के अंदर एस्टेब्लिश्ड है 1996 से आज के दौर तक। उसने अपने टू वर्ड्स आज के यंगस्टर्स का जो क्रेज और जो पागलपन था उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला गया है वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, VFX इन सारी फील्ड्स के लिए। आपको बताना चाहूंगा अगर आप भी इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो ZICA यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से
और इसी के अंदर जो कोर्स ड्यूरेशन रहती है वो आपकी रहती है कंप्लीट 3 years की, और जो उसका फीस स्ट्रक्चर जाता है वो भी जाता है 3 lakh rupees। धाम के बैठिए क्योंकि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दोबारा से मेरी ही सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स के अंदर, ये बताने के लिए कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो हमारी रैंक में फर्स्ट नंबर पर आया है। आपको बताना चाहूंगा जो फर्स्ट नंबर पर रैंक होल्डर है हमारी लिस्ट के अंदर वो कॉलेज है नेफ्ट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आपको बताना चाहूंगा 2008 से एस्टेब्लिश्ड ये कॉलेज वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड माना जाता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉलेज के अंदर आप बैचलर एंड मास्टर दोनों ही डिग्रीज को पा सकते हैं और कंप्लीट नॉलेज को गेन कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉलेज के एडमिशन के लिए कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है कंप्लीट 4 years। इसमें 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ साथ नेफ्ट एग्जाम को क्लियर करना भी मैंडेटरी माना जाता है। एंड इसकी जो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर जाता है वो जाता है 11,38,000 इन रुपीज। ये थे एमपी के टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना।